दोस्तों, शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनि देव का नाम लेते ही आम मानस में भ्रम या भय का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर हम पर शनि की छाया भी पड़ गई तो कहर आ जाएगा। इस संबंध में ज्योतिष के अनुसार शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है। आप अपनी आदतों से खुद जान सकते हैं कि शनि की आप पर कितनी कृपा हो रही है। शनि ही है जो प्रकृति की व्यवस्था को संभालते हैं। यदि आपने गलत अत्याचार अनाचार पाप किया है तो आपको उसका दंड जरूर मिलेगा। यदि इसे आप गलत कहते हैं तो शनि देव का क्या दोष। शनि देव कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनकी दृष्टि में इतना तेज है कि हम उनसे नजरें नहीं मिला सकते। लेकिन यदि हम सही पथ पर चलते हैं तो शनि हमेशा हम पर कृपा बनाए रखते हैं। माना जाता है कि सूर्य के पुत्र शनि उन ग्रहों में से हैं जिनकी क्रूर दृष्टि किसी को बर्बाद कर सकती है, लेकिन उनकी अच्छी दृष्टि अगर किसी पर एक बार पड़ जाए तो उसके सारे काम बन जाते हैं और उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आती। शनि देव सूर्य से काफी दूरी पर हैं और यही कारण है कि शनि प्रकाशहीन है। भगवान शनि के प्रकाशहीन होने की वजह से कई लोग उन्हें निर्दयी, क्रोधी, भावहीन और उत्साहहीन भी मान लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि शनि अगर किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसे वैभव और धन से भर देते हैं। शास्त्रों के मुताबिक शनि का अप्रसन्न होने का अर्थ है मुसीबतों का मार्ग खुलना। लेकिन ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कैसे जाने कि शनि प्रसन्न है या अप्रसन्न। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजाना जीवन में आपकी कुछ आदतों से पता चलता है कि शनि भगवान आप पर प्रसन्न है। जो लोग रोज अपने नाखून काटते हैं और उन्हें साफ भी रखते हैं, शनि ऐसा करने वालों का हमेशा ख्याल रखते हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने नाखून काटने में आलस करने लगे या आपके नाखून गंदे रहने लगे तो समझें आपको शनि दशा सुधारने के लिए उपाय करने चाहिए। अगर आपका दिल गरीबों जरूरतमंदों को देख कर पसीज जाता है और हर पर्व त्योहार पर या गरीब जरूरतमंद की आप हमेशा मदद करते हैं तो समझे शनिदेव की आप पर विशेष कृपा है। पौष माह में गरीबों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और काले कपड़े सच्चे मन से दान करते हैं तो शनिदेव उनका सदैव कल्याण करते हैं। ज्येष्ठ माह में धूप से बचने के लिए काले छाते दान करने वालों पर शनिदेव की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। जब आपकी यह आदत बदलने लगे तो समझे शनिदेव कुपित हो रहे हैं। कुत्तों की सेवा करने वालों से भगवान शनि हमेशा प्रसन्न होते हैं। कुत्तों को खाना देने वालों और उनको कभी ना सताने वालों के शनिदेव सभी कष्ट दूर करते हैं। इसलिए अगर आप में भी ऐसी आदतें हैं तो जीवन में शनि कोप से मिलने वाली मुश्किलों से हमेशा बचे रहेंगे। किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को राह दिखाना, उनकी मदद करना शनि को खुश करने में सहायक सिद्ध होता है। जो लोग नेत्रहीन लोगों की अनदेखी नहीं करते उनकी निस्वार्थ मदद करते हैं, शनिदेव उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी सफलता उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शनिदेव का उपवास रखकर अपने हिस्से का भोजन गरीबों को देने की आदत है तो समझे शनि की कृपा से अन्न के भंडार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आइए अब जानते हैं शनिदेव जन्म कथा के बारे में। शनिदेव के जन्म से संबंधित एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था और उन्हें मनु, यम और यमुना के रूप में 3 संतानों की प्राप्ति हुए। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक संज्ञा सूर्यदेव के साथ रही, लेकिन अधिक समय तक सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। हालांकि सूर्यदेव को जब यह पता चला कि छाया असल में संज्ञा नहीं है तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखने लगे। ये थे दोस्तों शनिदेव आपसे प्रसन्न है या नाराज। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।